20 रनों की जरूरत। टी 40 जसा तसा या ठिकाणी उत्तर दिला जातो, या नेट टू नेट फाइट पाहायला मिळते। तर प्लीज वेळे संदर्भात सहकार्य करा। निखिल पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मार्गस्थ होते गोलंदाजीसाठी, मोठा फटका खेळण्याचा उद्दिष्ट केला जातोय, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कुठलाही संपर्क झाला नाही। नक्कीच पंचांचा लेग बायचा या ठिकाणी इशारा येतोय, चेंडूवर मात्र कुठल्याही प्रकारची नजर नव्हती। ऑफस्टंपचा चेंडू होता, ऑनसाईडला खेळण्याचा त्याने प्रयत्न केला, परिणामस्वरूपी या ठिकाणी रवांताच्या रूपाने धावसंख्या आपण पाहतोय एकेरीने पुढे जाते 2-25। टेनिस क्रिकेट के खेल में लेग बिफोर विकेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल आते हैं और फिर स्ट्रोक ऑफर भी करते हैं, स्ट्रोक भी खेलते हैं। इस बार वजन बैकफुट पर लेकर पुल किया है, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिर्फ एक रन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस तीसरे ओवर में निखिल, पहली गेंद वाइड रही थी लेकिन उसके बाद हाथ खोलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं दी है बल्लेबाजों को, और उसके बाद सिर्फ सिंगल्स की मदद से रन आए हैं। 3 गेंदे अभी भी इस ओवर में शेष, रन संख्या 26, 9 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। अगली गेंद राइट अमोर द विकेट, इस बार ऊंचा उठा दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर खिलाड़ी है लेकिन सिर्फ देखते ही रह गए, शानदार छक्का। अक्षय राजला तोड़त नाय भारी आहे तो ऑलराउंडर, अक्षय राजला तोड़त नाय भारी आहे तो ऑलराउंडर, शिक्षे गावाचा धनेशी लेवन संघ हा एक नंबर। कमाल का शॉट, थोड़ा सा प्रेशर बन रहा था लेकिन वो प्रेशर रिलीज कर दिया है स्ट्रोक ने, हाफ वॉली में लेकर ऊंचा उठा दिया, ऊंची बैकलिफ्ट का कमाल दिखाते हुए राज पाटिल, रन संख्या 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक ऑफसाइड में, डीप कवर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सिर्फ एक रन। राज पाटिल की एक खासियत है योगेश, ऑफसाइड में कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भी वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का उपयोग करते हैं, इनसाइड आउट भी बहुत बढ़िया तरीके से खेल लेते हैं। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची 33 पर, अब केवल 11 रनों की जरूरत, 7 गेंदे शेष। त्याच्याकडे ॲबिलिटी आहे, तो मैदानाच्या कुठल्याही बाजूने जे फटका खेळू शकतोय, खूप टॅलेंट आहे त्याच्याकडे आणि नक्कीच अनुभव या सामन्यामध्ये पूर्णपणे झोकतोय आपल्या संघासाठी। हा चेंडू निर्णायक असेल आता मात्र दोन्ही संघांच्या माध्यमातून बोलायचं झालं तर, आणि नक्कीच कुटाब्याचा चेंडू आता फुकण्याचा प्रयत्न आणि मिड विकेटला सुरेख झेल पाहायला मिळतोय, अतिश मागे बॅक टू द पवेलियन। तर षटकाचा खेळ, 3 षटकांचा खेळ समाप्त होते, उर्वरित 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी अजून 11 धावांची आवश्यकता आहे। नाना स्पोर्ट सोर संघ प्लीज टीम मीटिंग करू नका, त्वरित आपण शत्रचन सजवायचं आहे। बहुत रोचक स्थिती में आ गया है मुकाबला, महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया है वहाँ पर गेंदबाज निखिल ने। देखिए पुल शॉट जरूर खेला था वहाँ पर बैट्समैन आतिश ने, लेकिन गेंद बल्ले की थोड़ी सी अंदर लगी थी, मिडल नहीं कर पाए जिस वजह से पर्याप्त एलिवेशन भी नहीं प्राप्त कर पाए और वहाँ पर गैप भी नहीं ढूंढा था, सीधे फील्डर के पास खेल बैठे डीप में। अच्छा कैच, दबाव की परिस्थितियाँ है, दोनों भी टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर दबाव है, 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की ज़रूरत। राज पाटिल अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, 1 चौका और 2 छक्के लगा चुके हैं, कुल मिलाकर 19 पर बैटिंग करते हुए राज पाटिल। नक्कीच आपल्या संघासाठी संघर्ष करतोय, परंतु त्याला कुठल्याही फलंदाजीने मात्र व्यवस्थित साथ दिली नाही, परंतु पाहूया शेवटच्या षटकामध्ये खेळण्यासाठी नवीन फलंदाज येतोय नॉन स्ट्राइक एंडवर भूषण पाटील, खेळायला सुरुवात करायची आहे प्लीज उमेश, प्लीज जास्त वेळ खर्च करू नको, 6 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असताना स्ट्राईकवर येतोय राज पाटील। राज पाटीलला पूर्णपणे दारोमदार असेल आता मात्र हा सामन्याचं, पाहूया कशा प्रकारे या 6 चेंडूमध्ये 11 धावा पूर्ण करतोय का। पहिला चेंडू आपण पाहतो या पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय आणि सरळ चेंडू मात्र एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय, निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय। पहली गेंद पर तो जीत बॉलर की हुई है, अब ये हर गेंद अपने आप में मैच बन गया है, तो हर गेंद महत्वपूर्ण, हर रन महत्वपूर्ण। सामना करते हुए राज पाटिल, गेंदबाज है उमेश,
इस बार पुलर लेन ड्राइव किया और फील्डर से थोड़ा सा फंबल हुआ है। दो की कोशिश यहां पर खतरनाक साबित हो सकता है। अपील और रन आउट, राज पाटिल रन आउट होते हुए ये मैच का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, सेट बल्लेबाज थे, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में रन आउट हो गए। समीकरण आधी जर बघितलं आपण तर षटकार लागल्यानंतर 8 चेंडूमध्ये 12 धावांचं समीकरण होतं, परंतु त्यानंतर जो कमबॅक केला गोलंदाजाने अतिशय जबरदस्त वापसी आपण म्हणू शकतो। आता मात्र 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 10 धावांची आवश्यकता आहे, परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट असते म्हणजे अजय जो राज पाटील चांगली फलंदाजी करतो तो फलंदाज या ठिकाणी मात्र आता बाद होतोय, आणि येणारा जो फलंदाज तो नवीन फलंदाज आहे, कारण त्याने एकही चेंडू आतापर्यंत सामना केला नाही, तर नक्की त्याच्यावर थोडासा प्रेशर असेल, दबाव असेल, तर पाहूया प्रेशरला हँडल करतोय का फलंदाज अंकलेश पाटील। 4 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता, चेसिंग कंपल्सरी असेल धुळी संघाच्या माहितीसाठी। बिल्कुल सही कहा आपने योगेश, चेसिंग तो कंपल्सरी है और नए बल्लेबाज के लिए ऐसी परिस्थितियों में खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अंकलेश ने बैट्समैन सामना करते हुए टॉस और रिटर्न कैच, वहां पर ड्रॉप होता हुआ, बॉलर ने कोशिश की थी फॉलो थ्रू में, गेंद हाथ से छिटकी, लेकिन लॉन्ग ऑन पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन। अब कम से कम एक बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत निश्चित रूप से है यहाँ पर धनेश इलेवन को, क्योंकि 3 गेंदों में 9 रन चाहिए। यदि चौका या फिर छक्का नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि धनेश इलेवन इस मैच को जीत पाएगी। परंतु आता मात्र पूर्ण जो दारोमदार असेल, जबाबदारी असेल अजय, ती म्हणजे भूषण पाटीलवर असेल, कारण डाकोरे हाताचा फलंदाज आहे, वाऱ्याचा सुद्धा तो त्या ठिकाणी तो फायदा उचलू शकतोय, परंतु चेंडूने बॅटमध्ये मात्र व्यवस्थित त्याला कनेक्ट करावं लागेल। 3 चेंडू त्याच्याकडे आहेत आणि धावांची आवश्यकता आहे 9। ह्या चेंडूमध्ये जर एखादा मोठा फटका लागला तर सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला पलटवार पाहायला मिळेल, परंतु या चेंडूवर जर जास्त धावा जर आल्या नाही तर मात्र धोक्याची चिंतेची वातावरण नक्कीच आपण पाहू शकतो या खेळाडू कक्षामध्ये। तर सामना त्वरित सुरुवात करायची आहे, नाना स्पोर्ट्स सुरसंघ प्लीज आपण घाई करा, 3 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता। अगली गेंद, इस बार आगे रखा था, बल्ले पर नहीं ले पाए, अपील की जा रही है वहां पर और खिलाड़ी जश्न मनाते हुए, डॉट बॉल का भी जश्न मनाया जा रहा है और बैट्समैन आउट भी हो चुके हैं। देखिए आउट तो हो ही गए हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी डॉट बॉल की ही हो रही है वहां पर, क्योंकि यहां पर डॉट बॉल एक और यदि कर देते हैं गेंदबाज तो पूरी तरह से मैच एक तरफा हो जाएगा। अभी भी हालांकि दो तरफा है मुकाबला, 2 गेंदें बची है और 9 रनों की जरूरत। आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज भूषण। नक्की तो मित्र म्हणे अजय, जो या सामन्याचा जर धनेश इलेवन कुठचे जर संघ जिंकू शकला नाही तर मी एकच म्हणेन, जो राज पाटीलचा जो धावचित्त गडी बाद झाला तो या सामन्यातील टर्निंग पॉइंट नक्कीच होऊ शकतो। जी हाँ, देखिए सेट बल्लेबाज थे, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को समझते हुए बैटिंग करने की ज़रूरत थी। 19 रन वो बना चुके थे और कहीं ना कहीं गेंद उनको फुटबॉल की तरह निश्चित रूप से नज़र आ रही थी, और इस परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां जहां पर रोशनी कम होती जा रही है, जो सेट बैट्समैन है उनको आखिर तक खेलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए वो दूसरे रन के लिए दौड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तरीके से रन आउट हो गए। तर आता मात्र समीकरण खूप मागडं आहे, दोन्ही चेंडूला मात्र आउट ऑफ द पार्क या ठिकाणी पाठवायला लागेल। 2 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असताना करण हा फलंदाज येतोय खेळपट्टीवर पुढील चेंडू खेळण्यासाठी। उमेश रनपुराम वाहुली एनकडनं आणि अतिशय सुरेख चेंडू, डॉट चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच थोडंसं वर्चस्व या ठिकाणी आपण पाहतोय नाना स्फोट संघाचं या सामन्यावर, कारण अंतिम चेंडू शिल्लक आहे, 9 धावांची गरज आहे, परंतु ह्या धावासुद्धा अजय होऊ शकतात, कारण मी सुद्धा माझ्या जीवनामध्ये अजय 11 धावा होताना पाहिलेल्या आहेत आणि ती सुद्धा मेगा फायनलमध्ये। तर पाहूया हा गोलंदाजाने जर एखादा जर खराब चेंडू फेकला तर नक्कीच पुन्हा एकदा चान्स असेल धनेश इलेवन कुठच्या संघाला। 1 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असताना फुलटास बनवला, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय आणि या स्पर्धेच्या बाहेर जातोय। आयोजक संघ धनेश इलेवन कुकसे हार्ड लक एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन नाना स्पोर्ट सोर, अभिनंदन। मानना पड़ेगा गेंदबाज उमेश को, दबाव की परिस्थितियों में बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने, 6 गेंदों में 11 रन मात्र चाहिए थे और राज पाटिल जैसे सेट बैट्समैन भी क्रीज पर थे, लेकिन ज़्यादा मौके बल्लेबाजों को नहीं दिए, राज रनआउट हुए और उसके बाद ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा कर दिया।
जरूर लगा, लेकिन काफी देर हो गई थी, एग्जाम के बाद अभ्यास किया गया।